आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। डीजे से होने वाले मसाइल पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीबी आनंद ने मुनक्किद की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कहा कि रिपोर्ट बनाते हुए हुकूमत को दी जाएगी, फैसला हुकूमत के हाथ। मजलिसी अराकीन असेंबली अराकीन काउंसिल मुतालिक हलकों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी मसाइल के हल के लिए है मसरूफ। काला जादू करने वाले ढोंगी जादूगर को बंदलागुड़ा पुलिस ने किया गिरफ्तार, अवामी शिकायत मौसूल होने पर की गई कार्रवाई। मूसा नदी के एफटीएल और बफर जोन में तामीरात को मुनहदिम करने के सिलसिले में कामों का आगाज, हुक्काम ने किया सर्वे, मकामी अवाम में देखी गई बरहमी। देखते हैं खबरों की तफसील। हैदराबाद में मूसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सिलसिले में नदी से लगे इलाकों के मुआयने के दौरान जुमेरात को मुख्तलिफ महकमे जात की टीमों को अवामी बरहमी का भी सामना करना पड़ा। मुख्तलिफ महकमे जात की तकरीबन 16 टीमों ने हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेरचेल, मलकाजगिरी का जुमेरात की सुबह दौरा किया। हैदराबाद में पुलिस के वसी तर बंदोबस्त के दरमियान पुराना पुल, किशन बाग, असद बाबा नगर, शरीफ कॉलोनी, चादर घाट, मूसा नगर, शंकर नगर का सर्वे किया गया। हिमायत सागर तहसीलदार संध्या रानी और उनका अमला मौजूद था। लंगर हाउस इब्राहिम बाग में भी मूसी से लगे इलाकों का मुशाहिदा किया गया। कुतपेट में मारुति नगर और सत्या नगर के पास अवामी एहतजाज की वजह से सरकारी टीमों को वापस होना पड़ा। एमआरओ चारमीनार, एमआरओ बहादुरपुरे के अलावा रेवेन्यू अहदेदारों की टीमों ने पुलिस के साथ पुराना पुल और उससे जड़े मूसा नदी के इलाकों में रेड जोन इलाकों का दौरा किया और कई मकानात पर मार्किंग की गई। बताया जा रहा है कि बफर जोन और एफटीएल के तहत आने वाले मकानात की निशानदेही की जाएगी और अब ये बात तय है कि निशानदेही का अमल मुकम्मल होने के बाद मकानात को मुनहदिम करने की कार्रवाई का आगाज़ होगा। हुकूमत ने 15,000 मुतासरीन को डबल बेडरूम मकानात देने का वादा किया है, ताहम मुकामी अवाम का कहना है कि उन्हें डबल बेडरूम मकानात नहीं चाहिए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से अपील की गई है कि उन्हें बेघर न किया जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ भी नाराज़गी का इजहार किया गया। రేవంత్ రెడ్డి అన్న, మా పుట్టలంతా కొట్టకు, మా ఇల్లు తీసుకోకు,
మమ్మల్ని మోసం చేయకుండ్రి, ఎవరికన్నా చేసుకోండి, పైసా గల్లోళ్ళకి మాకు చేయకుండ్రి. అర్థమైందా రేవంత్ అంటా? చెప్తున్నా నీకు, ఆ పంజాబీన కూర్చున్నారా పడుతుంది మళ్ళా నువ్వు. ఇప్పటిదాకా ఎవరేం తిట్టలేదు, అందరు తిట్టిపోస్తారు, నీకు మన్ను పోస్తారు. నీకు అర్థమవుతుందా? నీకు అర్థమవుతలేదు, ఏడ కూర్చున్నావో ఏమో నాకు అర్థమవుతలేదు. ఊకే లొల్లి పంచాది పెట్టకుండ్రి, చంపకుండ్రి మనుషులకి. అందరు పాలసీ పెట్టుకున్నారు, ఈ పాలసీ ఏముందో మీరు చూసుకోండి. మా ఇంటి దగ్గర రాకుండ్రి, మా ఇంటి కాడ. మీ ఇల్లు వద్దు, మీరు వద్దు, ఏమొద్దు, మా ఇంటి మా కావాల. మీ లొల్లి పంచాది వద్దు. हमारे गरीब लोगों की बदुआ नहीं लेना तुम, हमारे घर हमारे के छोना आपको बिठा के गलती बिठा के गलती नहीं करे तुम. पिंचिन बढ़ाते बोले ना, पिंचिन बढ़ाए ना 2500 देते बोले वो करे ना, गैस 500 में करते बोले गैस भी नहीं करे, गैस भी नहीं करे 500 में गैस करते बोले वो भी नहीं करे. हमारा घर हमारे को होना, हम 20-20 साल 25-25 साल से है, कभी हमारे को नदी भरी ना, हमारे घरों में पानी आया, हमारे घर हमारे को होना. डबल बेडरूम आना को कुछ भी ना को, हमारा घर हमारे के छोना. कहीं भी जंगल में लेके जाके रखेंगे तो आ रहे थे हम, हमारे घर हमारे के छोना, हमारा घर हमारे कुछ होना. हमारे डबल बेडरूम नहीं होना चाहिए. हम 25 साल से है, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, पूरे हेज बुढ़े हो जा रहे. इतने दिन क्या सो गए थे क्या नदी में? अब नदी में आके घर वो बना रहे, ये बना रहे, बोल के बोल रहे. बुड्ढे हो जा रहे हमारे बच्चे, छोटे से बड़े इधर ही छो गए, इधर ही चले गए. 25 साल हुआ इधर आके, अब घर तोड़ते हुए तो कहाँ से लाना, किधर से लाना? बच्चे सब चले जाए, हम बुढ़ा बुढ़ा बुढ़े रहना का इधर रहना? डबल बेडरूम हमको नहीं चाहिए. हमारा घर हमारे को छोना, हमारा घर हमारे को छोना. कहीं कुछ 2000 देते, 3000 देते, बल्कि औरतों को भटका के ऊपर बैठ के औरतों का घर हम बर्बाद कर रहे थे. अब लेडीज का घर बर्बाद कर रहे, किसका घर बर्बाद कर रहे आप लोग? 5000 देते, 10000 देते, बेवों को 4000 देते बोल के चढ़ गए. हुकूमत इतने दिन कहाँ गए थे तुम? नहीं बनाने देना था नदी का, नहीं बिकने नहीं देना था घर. हम यासिन मियां कहने से खरीदे सो है 25 साल हुआ लेके घर, हम आज तोड़ रहे. बोले तो किधर जाना बच्चों को लेके? हाइड्रा की तरफ से संगारेड्डी जिले के मलकापुर कोंडापुर जिले में हमा मंजिला इमारत को मुनहदिम कर दिया गया. बताया गया है कि कंट्रोल धमाके के जरिए इस इमारत को मुनहदिम किया गया. इस कार्रवाई के दौरान दो लोगों के जख्मी होने की इत्तला मिली है. अहदेदारों का कहना था कि एक दहाई कबल सिकंदराबाद के एक साकिन शख्स ने यह इमारत तामीर की थी, जबकि इमारत से दाखिले के लिए झील के पिछले हिस्से से रास्ता रखा गया था. हैदराबाद के मुजाफती इलाके जिललगुड़े में नालों के लबरेज होने के बाद फंसी हुई खातून को डीआरएफ की टीमों ने बाहिफाजत निकाल लिया है. बताया गया है कि चंद दिनों से बारिश के बाद नाले लबरेज हो गए हैं, इसी वजह से आसपास के इलाके मुतासिर हुए थे. खातून को बाहिफाजत निकाला गया. शहर के निशानेबाज ने 68वें SGF टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया. मोहम्मदी लाइन गोलकुंडे के साकिन 15 साल मुनवर हुसैन ने 21 सितंबर को मदीना पब्लिक स्कूल में हुए मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल किया.
रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहीउद्दीन ने मुनव्वर की सताइश की और उन्हें मुबारकबाद देते हुए मुस्तकबिल के मुकाबलों के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। एबिट्स पर वाक़ ताजमहल होटल में दाल में कीड़े के पाए जाने की इतला पर जीएचएमसी फूड सेफ्टी की टीम की तरफ से रेस्टोरेंट का मुआयना किया गया। बताया गया है कि ग्राहक की तरफ से इस सिलसिले में शिकायत की गई थी और जब फूड सेफ्टी की टीमों ने रेस्टोरेंट का तफसीली मुआयना किया तो कवायद की खिलाफ वर्जी भी पाई गई। सफाई का भी मौसर इंतजाम नजर नहीं आया। स्टोरेज इलाके में झींगर भी देखे गए। इस सिलसिले में होटल इंतजामिया को नोटिस भी जारी की गई है। रियासत तेलंगाना में आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशकयासी की गई है। हैदराबाद में महकमे मौसमियात की साइंसदान नागारत्ना ने बताया कि आने वाले 24 घंटों में तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश होगी। हैदराबाद में भी बारिश की पेशकयासी की गई है। Present the weather situations indicate that yesterday's low pressure area or west central bay and adjoining areas has become less marked this morning and its associated cyclonic circulation today lies over south Chhattisgarh and its adjoining areas up to 5.8 kilometers height. Under its influence, Telangana is likely to have light to moderate rain over many places today and tomorrow over few places and heavy rainfall at one or two places today over northern districts and northeast districts and some parts of Janagaon, Kamareddy, Siddipet, Warangal, Adilabad, Asifabad, Nirmal, Nizamabad, Jagityal, Manchirial and adjoining areas. Tomorrow light to moderate rains are likely to occur in few places in some districts and heavy rainfall very likely to occur in one or two places in northern districts of Telangana. Hyderabad city is very likely to have today light to moderate rains over few places. Intermittently light and moderate rains are likely to occur and tomorrow light rains are likely to occur at one or two places in some parts of the city. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर महेश कुमार गौड़ की जानिब से गांधी भवन में हर चारशंबा और जुमा के रोज़ हफ्ते में दो दिन प्रजावाणी प्रजा पालना मुखम की प्रोग्राम का इंतखाब अमूम ले लाया जा रहा है। कल बरोज जुमा 27 सितंबर दोपहर 12 बजे प्रजावाणी प्रोग्राम में रियासती वजीर आपाशी और सिविल सप्लाई तोम कुमार रेड्डी शिरकत करेंगे और अवामी मसाइल की यकसुई करेंगे। गांधी भवन में मुनक़द होने वाले प्रजावाणी प्रोग्राम की सदारत सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ करेंगे। हैदराबाद के चैतन्यपुरी के वेंकट साई नगर में हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब हुकूमत की जानिब से मूसा रिवर प्रोजेक्ट के आगाज़ के लिए घर घर पहुंचकर हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले सर्वे के दौरान वेंकट साई नगर के सैकड़ों मुतासरीन धरना देते हुए अहदेदारों और पुलिस का घेराव कर रहे थे। सैकड़ों मुतासरीन ने जिला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की। इसके अलावा अहदेदार वापस जाओ के नारे भी बुलंद किए गए। मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मूसा नदी प्रोजेक्ट के नाम पर उन्हें बेघर न किया जाए क्योंकि वो यहाँ बरसों से मुकीम हैं।
पुलिस की जानिब से चकन्यापुरी के साईनगर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए थे ताकि किसी भी नागहानी वाक़े से निपटा जा सके। मूसा नदी के अतराफ़ अकनाफ और इसके किनारों पर कब्ज़ों को बर्खास्त करने के लिए हुकाम का सर्वे जारी है। अहदेदार लंगरहाउस इलाके में मूसा नदी के किनारे बनाए गए मकानात को निशान लगाने का काम कर रहे हैं, जबकि इस मौके पर मकामी आवाम में बरहमी भी देखी जा रही है। मूसा नदी के तहफ़ और इसको खूबसूरत बनाने के लिए मूसा नदी के अंदर बनाए गए गैर मजाज मकानात को मुनहदिम किया जाएगा और मुतासरीन के लिए डबल बेडरूम मकानात अलाट किए जाएंगे। इसी के एक हिस्से के तौर पर लंगरहाउस के साथ साथ चादरघाट मूसा नगर शंकर नगर इलाकों में अहदारों की जानिब से सर्वे का काम किया जा रहा है। मुतासरीन ने कहा है कि पट्टा राजी है और उसका सर्वे नंबर 71 है और MRO ने इस खसूस में सर्वे का काम भी किया है। यहाँ पर LRS किया गया है, यहाँ रहने वालों ने अपनी जायदादों का रजिस्ट्रेशन भी करवाया और उनकी जायदादों का असेसमेंट भी किया गया है। इलाहाबादी यहाँ पर बरखी का बिल भी अदा किया जा रहा है। इन मकामी अवाम ने कहा है कि अगर यह अराजी मूसा नदी की थी तो यहाँ की जायदादों का रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया गया, यहाँ पर बिजली और नल की सहूलत क्यों फराहम की गई, हुकूमत इसका जवाब दे। हमारा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, हमारा घर नहीं तोड़ना, हम बात करके आएंगे। ठीक है, ईमानदार है, आप ईमानदार आदमी, हमको पैसे दिलाओ। मुझसे रिवर की बात छुट्टी लेके कल वो हमको पूरा बोलना भाई, चांद निकल जा रही, खाना नहीं है, दो टाइम రాసుకున్నాం ఇది లేదు లేదు ఏడు నెంబర్
کنیز میں جماعت المسلمین کے اراکین اسمبلی کی جانب سے متعلقہ حلقوں میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور عوامی مسائل کو حل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کے تحت مجلس رکن اسمبلی حلقہ کاروان کوثر محی الدین نے گمدان خطب شاہی چوراہے کا تفصیلی طور پر معائنہ کیا۔ ان کے ہمراہ کارپوریٹر ہارون فرحان اور امیر الدین اور جی ایچ ایم سی کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ اس چوراستے کو خوبصورت بنانے کے لیے جی ایچ ایم سی کی جانب سے اقدامات کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مجلسی رکن اسمبلی نے جی ایچ ایم سی عہدیداروں اور عملے کو مختلف ہدایات دیں اور ان کی تجاویز سے بھی واقفیت حاصل کی اور تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر سرگرم مجلسی کارکنوں کے علاوہ ابتدائی صدور و معتمدی کلی میں سیاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور عوامی مسائل کی یکسوئی کو یقینی بنانے میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلس رکن اسمبلی حلقے بہادر پورہ محمد مبین اور ایم ایل سی مرزا رحمت بیگ نے حکومتی عہدیداروں کے ہمراہ زو پارک سے آرام گھر تک تعمیر کیے جا رہے فلائی اوور کے درمیان تاڑبند چوراہے پر ایک ریمپ بنانے کے سلسلے میں تفصیلی معائنہ کیا۔ کالا پتھر اور جہانما اور دیگر علاقوں سے آرام گھر جانے والی گاڑیوں کو یہ ریمپ سہولت فراہم کرے گا۔ اس موقع پر فلائی اوور پروجیکٹ سے جڑے عہدیداروں کے علاوہ متعلقہ مجلسی ڈویژن کارپوریٹر محمد خادر اور دیگر بھی موجود تھے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد سی بی آنند آئی پی ایس نے ڈی جے سے ہونے والے عوامی اور صحت کے مسائل کے سلسلے میں عوامی نمائندوں مختلف تنظیموں کے سربراہان کے ساتھ ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس منعقد کی۔ اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں معتمد عمومی مجلس سید احمد پاشا خادری، مجلس رکن اسمبلی محمد مبین کے علاوہ بی جے پی رکن اسمبلی، میلاد کمیٹی اور گنیش اتسو سمیتی کے ذمہ داران اور دیگر نے شرکت کی اور اپنی تجاویز سے کمشنر پولیس سی وی آنند کو آگاہ کیا۔ اس اجلاس میں محکمہ پولیس کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ بعد ازاں اس اجلاس کے بارے میں کمشنر پولیس سی وی آنند نے میڈیا کو تفصیل بھی بتائی۔ ایروز حیدرآباد سٹی پولیس آدوارم لو راؤنڈ ٹیبل میٹنگ మేము ఏర్పాటు చేశాము. గత వారం రోజులుగా మనం జరుపుకున్న పండుగల సందర్భంగా గణేష్ పండుగ ఒకటి, ఇంకోటి మిలాద్ పండుగ ఒకటి, ఆ పండుగ సందర్భంగా మరియు ఆ నిమజ్జన కార్యక్రమాల సందర్భంగా ఊరేగింపులు తీసిన సందర్భంగా ఏదైతే శబ్ద కాలుష్యం గురించి ప్రజల నుండి వచ్చిన కంప్లైంట్స్ 500% పెరిగాయని మేము గమనించాము.
ప్రతి కాలనీ నుండి ప్రతి ప్రాంతం నుండి డయల్ 100 కి విపరీతమైన కాల్స్ రావడం రాత్రంతా ఈ మ్యూజిక్ అంతా నడుస్తా ఉంది మాకు నిద్రలు లేవు పిల్లలు బాధపడుతున్నారు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి చదువుకోలేకపోతున్నారు ఇది నియంత్రించండి అని చెప్పడము దాని తర్వాత మా పెట్రోల్ కార్స్ వెళ్ళి ఆఫీసర్స్ వెళ్ళి అక్కడ రిక్వెస్ట్ చేయడము కొంతమంది వింటున్నారు కొంతమంది మండప నిర్వాహకులు మాట వినట్లేదు మేము ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ మండపానికి వెళ్ళినప్పుడు మూసేస్తున్నారు दरगाह खलिस्तान के अहाते में शादाब बाबा जादूगर की गुंडागर्दी जारी है। मकामी अवाम के मुताबिक मकानात के रूबरू जादी की सामग्री फेंकते हुए उन्हें डराया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत नवाजुद्दीन नामी शख्स पर हमला भी किया गया है जो शदीद जख्मी है। रायनगर पुलिस स्टेशन में इस वाक़े के सिलसिले में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। जादूगर इनका नाम शादा भाई है। इन्होंने 6 सामे हमारे घर के सामने जादू करने वाले ब्लैक मैजिक करने वाले इन्होंने शादा है इन्होंने जादूगर। मेरा नाम अफरोज बेगम है। मैं दरगाह खलिस्तान में रहती हूँ बिलाल कॉलोनी में। घर के सामने एक बड़ा इशू हो रहा है। वो जो है मुर्शद है, मुर्शद जो है छूछा करने वाला बाबा है ये मुर्शद। उन्होंने जो उनका नाम शादा भाई है, उनका शादब भाई है। उन्होंने जो है ये कामा करते, छूछा के कामा करते घर के सामने, वो बच्चों को इफेक्ट हो रहा। जो बच्चे जो है मासूम बच्चे रहते वो बच्चों को इफेक्ट हो रहा। अच्छे के लिए हम ना उनके बोले 8 दिन के नीचे बोले तो उन्होंने क्या है जिससे जो नहीं लिए उन्होंने नहीं नहीं मेरे से क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, तुम देख लो मेरा मैं देख लिए थे बोल के बोले थे उन्होंने। फिर हम लोग आके फिर 8 दिन के बाद में हम ना जब का जबी फिर पीएस में आके कंप्लेंट दिए हमारे शोहर दिए तो पीएस में बोले एक्शन नहीं लिए, नहीं कंप्लेंट को एक्सेप्ट नहीं करे लोग। तो जो है हम लोग फिर खामोश बैठ गए। फिर उनके ही लोग जो है बस उनके सपोर्टिंग करने वाले उन्होंने जो है उनका नाम है महमूद है, महमूद काला महमूद बोल के मशहूर है उन्होंने दरगाह खलिस्तान में। उन्होंने रोड़ियां करते इसलिए कोई भी उनके खिलाफ नहीं बोले, उनके सपोर्टिंग में नहीं थे। अटैक करने की वजह ये है कि उनके भाई है कहते ये छूछा बाबा जो है हमारे भाई है तुम उनको नहीं बोल सकते बोल के जो है घर को आ रहे थे। रास्ते में चौरस्ते पे जीशान होटल के सामने उनको रोक के उनको जो है मारे, बहुत बेतुका मर्डर का केस करे, बहुत बुरा मारे, बहुत आईसीयू में सीरियस केस है ये, बहुत मारा मारे। नवाजुद्दीन को मारे, मेरे शोहर है नवाजुद्दीन उनको बहुत मारे, बहुत बुरा हाल कर दिए, रोड पे पड़े हुए थे उन्होंने। फिर बस्ती वाले सपोर्ट नहीं करे, फिर बाद में जो है इतला मिली तो फिर बाद में जाके दूसरे लोग पकड़ के घर पे लेके आए। ये कामा सब हुए ये बस्ती में से उनको हटाना, ये बस्ती में इन्हों सब ऐसा कर रहे पूरे बच्चों को इफेक्ट हो रहा, ये बस्ती में से हटाओ बोले तो कोई भी आगे बढ़ के आ रहे नहीं। और छोटे छोटे मासूम बच्चे रहते उन्होंने गली में उतारा उतारा करके घर के सामने ही डालते उन्होंने सब उतारे करके ब्लैक मैजिक करते उन्होंने। उनको एक्शन अच्छा लेना है और एक्टिव टू मर्डर केस है ये कल उन करे सो जो हरकत। और उनका नाम है महमूद, उन्होंने बहुत रौडी है, रौडी सब उनके हैंडओवर में है पूरे बस्ती के पूरे एरिया के लोग। हाँ हमला पीएस में कंप्लेंट दिए, राजेंद्र नगर पीएस है कंप्लेंट भी दिए हम लोग दिए तो अब उन लोग जो है पहले दिए 8 दिन के नीचे नहीं लिए उन लोग एक्सेप्ट करे नहीं। फिर अब जो है फिर मारम तोड़ी हुए बाद में आए तो जब एक्सेप्ट करे लोग। बंदलागुड़ा पुलिस ने बाबा सूख इतला और शिकायत पर कार्रवाई करते हुए काला जादू करने वाले एक ढोंगी बाबा को हिरासत में लिया है। तफसीलात के मुताबिक अवामी शिकायत मौसूल होने के बाद बंदलागुड़ा पुलिस की जानिब से एक कार्रवाई की गई। जादूगर पर इल्ज़ाम है कि ये काला जादू में मुलव्विस है। इस सिलसिले में मज़ीद तहकीक़ात का सिलसिला जारी है। क्या क्या बताओ, पूरा बताओ।
कब से रह रहे हैं तुम यहाँ पर, बोलो खुला, हर बात सही सही बोलना। हाँ, कब से कर रहे हैं काम पूरा? पहले करता था बंद कर दिए, ये बंद कर दिए थे सामान का ही रखे, फिर देना बोलो कौन तो भी लेको उल्टे सीधे काम आ गए, किसको देना क्या बोलो, फेंक दो बोलो, फेंकता है कि बोलो, किसको देने का भरोसे आदमी नहीं, देख करूँ क्या, हमेशा उल्टे सीधे काम आ गए तो मेरे ऊपर आता है, गलती तो मेरी छोटी ना। अच्छा, मैं इसलिए नहीं दिया कि ये सब चीज़ें तो दूसरा गलत इस्तेमाल कर, तुम सही इस्तेमाल करते थे इसका। मैं इतना ऐसा नहीं करा कि मैं लाखों रुपए कमाए, पहचानत के रहते, जान पहचान के रहते करता था, ऐसा नहीं कि मैं लगा के लाइन लगा के लिख के देना, वैसा क्या क्या करते थे तुम? मैं इस तरीके ये क्या करते थे, ये सामान से इलाज करते, कई के इलाज निकालते थे, डालते थे, निकालते थे, निकालते कुरान के आए थे, उसे पढ़ के देखो बड़ा कर देते, देखो नादी अली है, नादी अली यन मजर ले जाए तजिदो अनल कतल नवाई, बस है बस है, पढ़ो रखो, तुम्हारा परसूट नहीं हो रही हो, नहीं तो हाँ बत्तियाँ देखो, मैं सामने के देख, ये क्या है, वो पूरे बत्तियाँ खोलो, नहीं मेरे क्या क्या है उसमें, क्या भी नहीं सर, पलीते से क्या करते हो, पली से जला नहीं दे, खोलो पूरा खोलो, ये इतने लॉकों के चाबियाँ गई हूँ, आपका मकान है, नहीं नहीं मकान दार नहीं है, पर मकान दार कोई भी नहीं है, किसका सलमान घर है, ये नाम पूछा तो मालूम आता था सलीम उल्ला, वो क्या है, वो क्या है, वो ये पंडित है, कहे कहा किसी को बुलाने का है, बुलाने का है, तो किसको बुलाते, कोई भी अगर नहीं है घर में लापता है तो उनको बुलाने का, ये क्या क्या है बताओ, पूरा बताओ, पूरा बोलो क्या क्या है, खुला खुला, नहीं ये तो ये मेरे क्या है, तुम्हारे को बुलाने का है, वो थोड़ी सालों को बुलाओ जरा, देखिए मेरी तबीयत खराब है, ये क्या क्या है बताओ, क्या है वो, अरबी बुलाने की चीज़ें हैं पूरे, वो नहीं नहीं भेजने के है, ऊपर भेजा देने के चीज़ें क्यों, ये क्या है ताबीज़ा, हॉल घबराहट तो देने को गले में, ये क्या है खोलो, ये जरा बताओ, ये बताओ ऊपर का पलीदा, जिस समय असरात हो गए तो पूरा कपड़ा बन के जलाने का नाम, क्या करते हैं उसको, असरा तुम्हें हुए तो कपड़ा बन के जलाने का है सब चुके थे, अच्छा ये खोलो पूरा, क्या है ये, हाथ है पंजीतन पांच का हाथ, ये कह के पलीते है पूरे, ये डिब्बी का की है, ये खाली है क्या, तुझे रखते हैं कुछ तो काम में लेते थे तुम इसको, पूछना देखो हमारी बीवी के साथ हफ में कर दिया, हमारी बीवी को तो जाल में बिछा कर कौन कर दिया, कहते ये कहीं का फोटो आ रही है, हमारी भोली उनकी है, भोली के तो भोनी को बुलाते थे, ये चादर भाई इनके फोटो भी नहीं रखे थे, इसको ले रहे हैं उनका भी काम कहाँ, अरे नहीं जी उठा रहे हैं कि तुम रखो नीचे, नीचे रख दो सब, पूरी शादी की होती है, ये बच्ची कौन है, ये पूरे कौन है, ये पूरों के ऊपर कराइसो है ना, सही सही बोलना, नहीं 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 देखो जब से तुम्हारे ऊपर रहम कर रहे हैं तुम, अब कहीं कर दियो, अगर तुम अब झूठ बोलेंगे, ये जितने फोटो हैं तुम्हारे पास, कई को है फोटो इतने लोगों के। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। डीजे से होने वाले मसाइल पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीबी आनंद ने मुनक्किद की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कहा कि रिपोर्ट बनाते हुए हुकूमत को दी जाएगी फैसला हुकूमत के हाथ।
مجلسی اراکین اسمبلی اراکین کونسل متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور عوامی مسائل کے حل کے لیے ہیں مصروف۔ کالا جادو کرنے والے ڈھونگی جادوگر کو بندلہ گوڑا پولیس نے کیا گرفتار، عوامی شکایات موصول ہونے پر کی گئی کارروائی۔ موسا ندی کے ایف ٹی ایل اور بفر زون میں تعمیرات کو منہدم کرنے کے سلسلے میں کاموں کا آغاز، حکام نے کیا سروے، مقامی عوام میں دیکھی گئی برہمی۔ اسی کے ساتھ روبرو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبرو نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔